चलिए आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ फिरोजाबाद का फेमस उत्पम ट्राई कराने के लिए। चाउमीन, बर्गर, पेटीज, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें तो आप लोग बहुत ज़्यादा खा चुके हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को टेस्टी और हेल्दी नाश्ता कराने वाली हूँ जो कि है उत्पम। सबसे पहले भैया जी ने बैटर लिया, बैटर डालने के बाद यहाँ थोड़ा सा स्प्रेड किया और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा आपका टेस्ट इन्हेंस करेगा वो यहाँ पर अनियन डाल दी। अनियन डालने के बाद इन्होंने यहाँ पर टोमेटो को डाला। टोमेटो डालने के बाद जो इनका सीक्रेट मसाला है जो इनके उत्पम को और ज़्यादा टेस्टी बनाता है वो सीक्रेट मसाला डाल दिया। और सीक्रेट मसाला डालने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से चलाया और फिर उसके ऊपर ऑयल डाल दिया जो कि ये ऑयल इस उत्पम को और ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। साथ में भैया जी को बनाना था डोसा और इन्होंने पानी डाला, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया और उसके बाद यहाँ से बैटर लिया डोसा का। और इतना बड़ा डोसा इनको बनाना था क्योंकि डोसा का साइज़ यहाँ पर अच्छा मिलता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने डोसा का बैटर डाल दिया और डोसा के अंदर सबसे पहले कौन सी फिलिंग जाती है वो होती है हमारी टोमेटो फिलिंग। उससे पहले इन्होंने इसको हटाने की कोशिश की लेकिन ये उत्पम अभी तक बन रहा था, बिल्कुल पका नहीं था, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा था। डोसा पर इन्होंने यहाँ पर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मेन चीज़ जो मेन इन्ग्रीडियंट होता है डोसा का वो होता है आलू, तो इन्होंने यहाँ पर आलू को डाल दिया। आलू डालने के बाद इन्होंने इसको अच्छे से स्प्रेड किया है जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाए और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अनियन, टोमेटो, ये सारी चीज़ें डाल दी। और जो कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था तो मुझे तो चाहिए था अपना उत्पम क्योंकि मेरा कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा था। तब तक भैया जी यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें इन्हें बनानी है। तो यहाँ पर डोसा बनकर तैयार हो चुका था और तब तक मेरा यहाँ पर ये जो उत्पम है इन्होंने इसको पलट दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। और ये जो शॉप है वो है हमारी यहाँ पर मेन रामलीला होती है, रामलीला चौराहे के जस्ट सामने है, जिसका डोसा था डोसा बनकर तैयार हो गया था और उन्होंने दे दिया था, लेकिन मेरे उत्पम में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। उत्पम को इन्होंने 4 पीसेस में कट कर दिया था और ये मेरी थाली में आ चुका था, जिसके साथ जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा था। जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क देने वाली हूँ।